क्लोज। चलिए इसकी स्लाइड देखेंगे टीम। सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिसको नहीं आता है प्लीज, क्योंकि आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में सैनिक स्कूल में, ठीक है। ब्यूटी यानी कि सौंदर्य, ब्यूटी का एंटोनिम अगलीनेस, कुरूपता, ठीक है। अब हम बच्चे इससे ना सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्यूटी कैन बी फाउंड इन नेचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब अगलीनेस का कौन बताएगा? अगलीनेस से एक सेंटेंस बनाना है। कौन सा बच्चा अगलीनेस से एक सेंटेंस बना के मुझे बताएगा? नितिश राज बताना चाह रहे हैं। चलिए नितिश के पास चलते हैं, पृथ्वीराज आपके पास भी आएंगे। चलिए नितिश बताइए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपने म्यूट कर रखा है। अनम्यूट नहीं हो रहा नितिश, आप उधर से अनम्यूट कीजिए नितिश। नहीं हो रहा है नितिश, हो नहीं रहा है। चलिए पृथ्वीराज बताएंगे इसका आंसर। बताइए अगलीनेस से एक सेंटेंस बताइए पृथ्वीराज, और सारे बच्चे सीखेंगे पृथ्वीराज से, ठीक है। चलिए यस पृथ्वीराज, टेल अस। I have to write some lines on ugliness. ये तो कोई सेंटेंस नहीं हुआ है ना। आपको अग्लीनेस को यूज करना है एक्टिवली। आपने जो सेंटेंस बोला है वो तो सही है, ठीक है, बट आपको अग्लीनेस वर्ड की विशेषता को यूज करते हुए बच्चे एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि द कमेडियन, कमेडियन कौन होता है? होता है ना जो आता है स्टेज पे और कुछ जोक्स मारता है और सब हंसते हैं। द कमेडियन मेड फन ऑफ His own ugliness, कि हो सकता है वो कमेडियन खुद कुरूप था और वो अपनी ही कुरूपता का मजाक उड़ा रहा था, मतलब सबको हंसाने के लिए, और वो इतना सहज था उस चीज के साथ, इतना कंफर्टेबल था अपनी ओन स्किन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका सही सेंटेंस हो सकता है बच्चों, ब्यूटी का अग्लीनेस हो गया। नेक्स्ट मैं आपको पूछूंगी बच्चों, बहुत ही सिंपल है। अब आप मुझे बताइए कि ब्यूटीफुल का क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल है और ये हम उस बच्चे से पूछेंगे जो बच्चा जो है सबसे कम आंसर देता है हमें, उससे हम पूछना चाहेंगे। टीम आप हमें दिखाइए, परीक्षित आप बताएंगे ब्यूटीफुल का, बिकॉज यू हैव जो अनित कुमार आप बताएंगे मुझे, ठीक है। अनित कुमार है क्या यहाँ पे टीम? या अनित कुमार, ब्यूटीफुल का क्या होता है? आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, हमने जो अभी पढ़ा है ना कुछ वैसा सा ही होता है मिलता जुलता। यू आर ब्यूटीफुल, हम कहते हैं ना यू आर ब्यूटीफुल, और कोई जब हमें सुंदर नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं? यू आर, यू आर, आपने अपने आपको म्यूट कर रखा है नित, आप नहीं सुनाई दे रहे हैं हमें, आपने उधर से अपने आप को म्यूट कर रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और बच्चे के पास चलेंगे। विनायक आप बताएंगे हमें, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर अगली वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे टीम। चलिए जिसको नहीं आता वो अपनी नोटबुक में लिख लेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें सेंटेंस बना रखा है, एवरी मदर, हर एक माँ को लगता है कि उसका बच्चा सुंदर है। एवरी मदर थिंक्स हर चाइल्ड इज ब्यूटिफुल आएगा यहाँ पे, ठीक है। एवरी मदर थिंक्स हर चाइल्ड इज ब्यूटिफुल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, और कुरूप का क्या आएगा, अगली का क्या आएगा? आई थिंक द वॉल लुक्स अगली इन दिस कलर। ओ विनायक भी एक आंसर देना चाहेंगे। चलिए विनायक चौधरी आप बताइए। मैम, आई वॉन्ट टू टेल अ सेंटेंस और
अगली प्लीज टेल अस मैम यू मैम शी इज लुकिंग अगली व्हेन शी गेट अप इन द मॉर्निंग ओके She looks ugly when she gets up in the morning. Okay. But आप किसी लड़की को ऐसा कहिएगा मत वरना बहुत पिटाई होगी आपकी ठीक है ना लड़कियों को बहुत बुरा लगता है लड़कियां हमेशा सुंदर लगती है ठीक है He looks ugly when he gets up in the morning. That is fine with us girls. है ना शानवी रुमाना सही कह रही हूँ ना मैं Nod? है ना Yes. Okay. Let's move on. चलिए आप अब मुझे yes, बताइए बिगिन का क्या होगा बिगिन का कौन सा बच्चा एंटोनिम मुझे बताएगा एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द विलोम शब्द एंटोनिम बिगिन का कौन बताएगा आई वुड लाइक टू टेक दिस फ्रॉम अ न्यू स्टूडेंट एक्चुअली देयर वाज अ न्यू स्टूडेंट उसका नाम देव वो जो आंध्र प्रदेश से न्यू स्टूडेंट आज ज्वाइन किया था हमारे साथ या देवर्षिनी देवर्षिनी वुड यू लाइक टू आंसर The antonym for begin? Ma'am? Begin? End, ma'am. Yes, begin. What could be the antonym, possible antonym for begin? Antonym is something which is, you know, completely opposite. So, if I am saying that let's begin, toh main, what will I say in the last? Let's end, oh. ma'am. End. Very good. Look, you know the answer, right? So, begin का होता है end, ठीक है? So, team, हम next slide देखेंगे. Begin, end, ठीक है? Begin मतलब बच्चों हिंदी में आरंभ करना, शुरू करना, और end मतलब अंत करना. So, begin the sentence with a capital letter. Obviously, capital letter के साथ अपना हर sentence begin करेंगे, ठीक है? और एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप ये हो जाएगा चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट पूछूंगी नेक्स्ट भी कुछ सिमिलर ही है बच्चों तो बिगिनिंग का भी क्या होगा बिगिनिंग का ये भी वो बच्चा आंसर करेगा जो कम आंसर्स देता है बिगिनिंग बिगिनिंग का क्या होगा शानवी यू विल टेल मी दिस आंसर चलो बिगिनिंग व्हाट विल बी द एंटोनिम फॉर बिगिनिंग चलो देवर्षिनी ही बताएंगी इसका अगला आंसर भी टेल अस आयुष्मान शर्मा वी आर कमिंग टू यू जस्ट अ सेकंड या मैम एंडिंग मैम वेरी गुड टीम हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बिगिनिंग एंड एंडिंग ठीक है एंड लिखा है ना इसको एंडिंग कर देंगे हम ठीक है आरंभ और अंत जनवरी इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड दिसंबर इज द Ending of the year. या फिर ये कह सकते हैं the ending of the movie was very nice. ठीक है बच्चों चलो मैं अब आपसे next पूछती हूँ अब इसका कौन सा बच्चा आंसर करेगा बिलीफ बिलीफ का हर्षित would you like to answer me this question? बिलीफ You have muted yourself, actually. Man, will you? Yeah, what? Man. Your video has paused, actually, Harshit. It's okay. Let's take it from Ayushman Sharma. Yeah, team, please unmute him. Ayushman Sharma ko unmute karenge hum. Yes. बिलीफ का क्या होगा मैम अनबिलीव अनबिलीव दैट्स क्लोज बट दैट इज नॉट अ वर्ड और ट्राई कीजिए थोड़ा सा अनबिलीव शब्द नहीं होता है आपको आता है थोड़ा सा दिमाग लगाइए एडवांटेज का क्या होगा बताइए मैम डिसएडवांटेज तो बिलीव का क्या होगा बताइए डिसबिलीव वेरी गुड टीम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम चलिए सबके पास आएंगे सौम्य आपके पास आएंगे नेक्स्ट के लिए बिल्कुल डरना नहीं है मैं आपको हिंट दूंगी अगर आपको नहीं आता तो ठीक है मुझे भी नहीं आता था मैंने भी अभी अभी सीखा है चलिए इस क्लास के लिए ठीक है सो बिलीफ होता है बच्चों और डिसबिलीफ होता है बिलीफ मतलब
किसी आपका विश्वास है कोई, ठीक है, एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीफ, एक होता है डिसबिलीव, एक होता है डिसबिलीफ, ठीक है। तो बिलीफ मतलब विश्वास, डिसबिलीफ मतलब संकोच, या फिर अविश्वास भी बेटर वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है। जिसको नहीं आता बच्चों, प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, आपके एग्जाम में आएगा, भूल जाएंगे, एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अगर हम बिलीफ का सेंटेंस देखें बच्चों, तो क्या कोई बच्चा सॉन्ग में बताएगा हमें बिलीफ का एक, हमें प्लीज आप सेंटेंस बता दीजिए सौम्य। आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है सौम्य। I believe on my school. You believe on your school? ऐसा? I believe on my students. I believe on my students. Okay. I have belief in my students. ठीक है, वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, I have belief in my students. या फिर belief का एक और वर्ड भी होता है ना बच्चों, faith. Faith, है ना? I have faith in my student. विनायक चौधरी, आप भी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, है ना। हम आपके पास आएंगे एक और एंटोनिम के लिए, आपके पास भी आएंगे। शानवी, आप भी नोट कर लेंगे, ठीक है, चलिए। और डिसबिलीफ का क्या होगा बच्चों? शानवी, आप बताएंगे मुझे डिसबिलीफ के लिए एक? आप उधर से म्यूट है शानवी, सब बच्चे अपने आप को उधर से अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपको टीम अनम्यूट, आपको टीम म्यूट करके रखती है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिए। चलिए विनायक चौधरी से इसका आंसर जल्दी से ले लेते हैं हम, डिसबिलीफ का। मैम डिसबिलीव एंटोनिम इज बिलीव। दैट इज वेरी नाइस, जस्ट हमें एक सेंटेंस बता दीजिए, सब बच्चों को एक सेंटेंस चाहिए आपसे। Which belief or disbelief? Disbelief. आपको आता है, आराम से बताइए। आप मुझे हिंदी में बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप डिसबिलीव करते हैं। सब बच्चे अपने दिमाग में साथ में सोचेंगे और बच्चों अपने दिमाग में सेंटेंस बनाएंगे। हो सकता है कि आपसे मैम नहीं पूछ पा रही है, कितने सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे लाइव जुड़ते हैं, ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, है ना। तो आप अपने माइंड में तो बनाएंगे ना। चलिए बताइए विनायक। आई डिसबिलीव द मिथ्स। मिथ्स, ओके, दैट इज अ गुड स्टेटमेंट। यू डिसबिलीव द मिथ्स। So you have this belief in the myths. ये और अच्छा हो गया, ठीक है। तो चलिए सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, I have this belief in myths, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी next, और इसका हमको चलिए एक सेंटेंस हम डिसबिलीव का शानवी से भी ले लेते हैं, बिकॉज शी वॉज रेजिंग हर हैंड। या आपने अपने आपको म्यूट कर रखा है शानवी। सौम्य, आप बताएंगे नेक्स्ट मुझे, बताइए शानवी। आपने उधर से म्यूट कर रखा है अपने आपको शानवी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, कोई बात नहीं। चलिए हम इसका अब नेक्स्ट हमारा एंटोनिम है बच्चों, बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल का हमें कौन बताएगा? नितिश कुमार राज बताएंगे बेनिफिशियल का हमें। नितिश, आपने उधर से अपने आप को म्यूट कर रखा है और आपका वीडियो भी ऑफ है। तो चलिए क्रिस्टी बताएगी। क्रिस्टी बताइए, बेनिफिशियल का आपको पता है? बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है क्रिस्टी? आपने भी अपने आप को उधर से म्यूट कर रखा है बच्चे। चलो सब स्टूडेंट्स अपना अपना उधर से माइक अनम्यूट कर लीजिए, ताकि टीम को सुविधा रहे, ठीक है।
अंशुमन बेहरा बताएंगे हमें बेनिफिशियल का मतलब. चलिए मैम डिसमेंटल. ओके डिसमेंटल मैम बेनिफिशियल का अनबेनिफिशियल. डिसमेंटल नहीं होगा अंशुमन. आप मुझे बताइए बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है. मैम जो हम लोग को हेल्प करते हैं मैम जो बेनिफिट देते हैं. वेरी गुड. तो जो हमें हेल्प नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं. जो हमें हेल्प नहीं करता वो हमें क्या करता है. मैम डिसबेनिफिशियल. एच से एक वर्ड है. एच से एच एच होता है ना एच इंग्लिश हर्ट. हर्ट और क्या हो सकता है. जो हमें बेनिफिट नहीं करता वो हमें क्या करता है. कोई बात नहीं इसका आंसर हम परीक्षित से लेंगे. परीक्षित आपने हैंड रेज कर रखा है आप बताएंगे. मैम आई ओनली नो द मीनिंग ऑफ द बेनिफिट डिसएडवांटेज. जो हमें बेनिफिट नहीं करता बच्चों वो हमें क्या करता है. बेनिफिट प्रॉफिट. मैम कोई बात नहीं कोई बात नहीं. शान भी आप बताएंगे इसका आंसर. आप म्यूट है शानवी आपकी आवाज नहीं आ रही. चलिए नितेश बताइए फिर. आ गए आप बताइए. आप भी म्यूट है नितेश आवाज नहीं आ रही है. टीम नितेश को म्यूट की अनम्यूट कीजिए. नितेश आपने उधर से म्यूट कर रखा है अपने आप को. नहीं कर रखा टीम. क्या आप हम अनम्यूट कर पा रहे हैं उनको. बोलिए अब बोलिए. मैम डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज नहीं बच्चे. जो हमें बेनिफिट नहीं करता वो हमें हार्म करता है. ठीक है. और जो बेनिफिशियल नहीं होता वो हार्मफुल होता है. सौम्य आप हैंड रेज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. चलो कोई बात नहीं मुझे लगा आप हैंड रेज कर रहे हैं. जो बच्चों हमें बेनिफिट नहीं करता वो हमें हार्म करता है. आप लिखेंगे बच्चों सब बच्चे लिखेंगे. नितेश आप भी लिख लीजिए फोन साइड में रख दीजिए. जो हमें बेनिफिट नहीं करता वो हमें हार्म करता है बच्चों. और जो बेनिफिशियल नहीं होता वो हार्मफुल होता है. ठीक है. या फिर उसका एक और शब्द भी है इंजूरियस. तो आप सब बच्चे अच्छे अच्छे बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि बच्चों आपसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है ना. विनायक आ रहे हैं आपके पास इसके सेंटेंस. हाँ आप इसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे. ठीक है. आप इंजूरियस का सेंटेंस फ्रेम करके मुझे बताएंगे विनायक. ठीक है. हम आ रहे हैं डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. पहले बच्चों को समझा दिया जाए. बेनिफिशियल होता है बच्चों एक शब्द. बेनिफिट होता है एक और शब्द. ठीक है. सो आई गॉट बेनिफिट फ्रॉम द स्पीडी ब्रेन्स क्लासेस. यानी कि मुझे द स्पीडी ब्रेन्स क्लासेस से फायदा